और चलिए बात अब शुरू की जहां के तारानगर से खबर आई है। तारानगर में सभा के दौरान राजेंद्र राठौड़ का बयान आया है, जयचंद की कोई बिरादरी और जाति नहीं होती, राठौड़ जयचंद धोखे का नाम है, ऐसा कहा गया है। जिसने पार्टी को मां मानकर खंजर घोपा उससे सबक मिल जाएगा, ये राठौड़ के स्टेटमेंट, ये शब्द हम आपको सुना रहे हैं। हार के कई कारण हो सकते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ का ये बयान आपको हम सुना रहे हैं तारानगर में सभा के दौरान, जहां पर जयचंद की कोई बिरादरी और जाति नहीं होती। चलिए आपको वो बयान हम सुनाते हैं। जयचंदों की बात हुई, भाई इतिहास ये कहता है जयचंद की कोई बिरादरी नहीं होती, जयचंद की कोई जाति नहीं होती, जयचंद नाम है धोखे का, ये तो कहीं खड़ा होकर कोई भी दे सकता है, पर इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। जिसने खंजर घोपा है, जिसने पार्टी को मां मानकर खंजर घोपा है, अपने आप उसको सबक मिल जाएगा। हम सब लोग मन में हमारे एक ही बात रहनी चाहिए कि किस प्रकार ये करवट लेता हुआ हिंदुस्तान, ये बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जिसकी तकदीर और तस्वीर को प्रधानमंत्री जी ने बदल दी, ये हिंदुस्तान और आगे कैसे बढ़े, और डबल इंजन की सरकार में तारानगर और आगे कैसे बढ़े, ये संकल्प हमारा सबका होना चाहिए। आज ये कहने के लिए आया हूँ, मैं आपसे दूर नहीं, हार के कई कारण हो सकते हैं, कई मायने हो सकते हैं, कई पैमाने हो सकते हैं, पर हार को हार मानकर रुकने वाला इंसान राजेंद्र राठौड़ नहीं। और मैं फिर कहना चाहूंगा जो डॉक्टर वैद्य ने कहा, किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी, और हे जयचंदो, हे विभीषणो, कृपया 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 इतनी मदद कर देना, आपने जो कुछ किया वो वही रहना, हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना।